लेकिन आखिरी वक्त में वो सफेद रंग ही है जो आपके साथ होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो ये तो बहुत बड़ा टाइटल है, इस यूनिवर्स में किसी ने क्यों नहीं सोचा अभी तक, तो सिर्फ संदीप ही सोच सकता है, क्योंकि संदीप की सोच हम लोगों से बहुत आगे है। मैं जितना जानता हूँ संदीप को, ये तो कुछ नहीं है, ट्रेलर है, सच्चाई तो यही है। अब संदीप जो ज़िंदगी में जो जो करने वाला है, इसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि यही बात में दिखाना पड़ेगा आप लोग को। ये आदमी इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये याद रखना मेरी बात। और विशाल जी जैसे डायरेक्टर मेरे बाजू में खड़े हैं, म्यूजिक डायरेक्टर तो है ही वो, यहाँ थोड़ी कंजूसी करूँगा मैं नहीं, बहुत अच्छे कंपोजर और बहुत अच्छे डायरेक्टर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। रेखा जी, मैंने संदीप से कहा था, तो कहते हैं ना चार दीवारों के अंदर जो बात होती है वो सबके सामने बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, तो मैंने ये कहा था संदीप से कि रेखा जी के मैंने बहुत गाने सुने संदीप, लेकिन ये पहला गाना है जो इतनी खूबसूरत वॉइस क्वालिटी, इतना ज़बरदस्त फील, इतना अच्छा कंपोज। तो बाद में इसने बताया कि ये गाना कंपोज भी उन्होंने किया है। ओ मैं बोला तभी, मगर इतना अच्छा आपने रिकॉर्ड किया है उस गाने को, आपने सब गाने बहुत अच्छे गए ऐसा मत सोचना, लेकिन ये गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया जितने मैंने आपके आज तक गाने सुने थे। तो ये क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है, संदीप और आप, है ना, क्योंकि अगर फाइनल जो ओके करता है ना उसके कान अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, वरना वो ओके वाले जो मार्केट में आजकल घूम रहे हैं ना, वो सारा रायता बनाए घूम रहे हैं, है ना, आता कुछ नहीं है, हाई फाई वाई या